राजस्थान की चुनावी रण में पार्टियों ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया। राजस्थान की चुनावी बिसात की हॉट सीट बन चुका है नाथद्वारा। 43 साल से नाथद्वारा में चल रहा है एक रोचक ट्रेंड। नमस्कार, मैं प्रशंसा, स्वागत है आपका सेंस इंडिपेंडेंस के शो पॉलिटिक्स टुडे। जिसमें जो एक बार विधायक बनता है वो दूसरी बार भी जीतता है। इस ट्रेंड के एंगल से देखें तो इस बार कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी की बारी है। इस बार भाजपा ने इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए राज परिवार पर दाव खेला है। यहाँ के पूर्व राजघराने से विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिया गया है। वे पूर्व सांसद महाराणा महेंद्र सिंह के बेटे। टिकट मिलने के 4 दिन पहले ही वो भाजपा में आए थे। उधर कांग्रेस ने 8वीं बार सीपी जोशी को टिकट दिया। वे चुनाव में 5 बार जीत चुके हैं। इस सीट पर एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये सीट कभी किसी के पक्ष में एक तरफा नहीं रही है। पिछले 10 में से 9 चुनाव में जीत का अंतर 17,000 से कम वोटों का रहा है। विश्वराज सिंह को उतारने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इस सीट पर करीब 60,000 राजपूत वोटर हैं और इस क्षेत्र में मेवाड़ राजघराने की बड़ी मान्यता है। ऐसे में दिग्गज नेता और राज परिवार के बीच चुनाव दिलचस्प हो गया है। नाथद्वारा सबसे चर्चित सीट रही है। ये वो सीट है जिसने राजनीति में एक वोट की कीमत का एहसास करा दिया है। 2008 में सीपी जोशी इस सीट से 1 वोट से हार गए थे। उस समय जोशी बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीएम पद के दावेदार थे। विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो 1980 से 2018 तक एक ही विधायक के लगातार 2 बार जीतने का ट्रेंड है। लेकिन रोचक यह है कि कोई भी प्रत्याशी हैट्रिक नहीं लगा पाया। 1980 और 1985 में कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी 2 बार लगातार जीते। फिर 1990 और 1993 में भाजपा के शिवदान सिंह चौहान जीते। 1998 और 2003 में फिर कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी और 2008 और 2013 में भाजपा के कल्याण सिंह चौहान जीते। अगर बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की तो कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी ने जीत हासिल की। अब इस चुनाव में ये ट्रेंड बरकरार रहता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहें सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।